तीसरी लड़की के जन्म के बाद पत्नी को छोड़कर फरार हुए वैसे पति के घटना के बाद आखिरकार एसएचजी अस्पताल में प्रसूता की माता तथा 1100 ग्राम वजन के साथ जन्मी वैसी लड़की की 62 दिनों तक इलाजी प्रक्रिया करने के बाद आखिरकार टीम द्वारा उसे अपने घर यानी कि ससुराल पहुंचाया गया। मेरी जानकारी के आधार पर तीसरी लड़की के जन्म के बाद पत्नी को छोड़कर पति फरार हुआ था, तो वही कम वजन के साथ जन्मी वैसी लड़की की 62 दिनों तक लगातार इलाजी प्रक्रिया करवाते हुए बाद आखिरकार माता और नवजात बच्ची को अपने घर वतन पहुंचाया गया, जिसमें नर्मदा जिला के घनघोर जंगल विस्तार में जरवाणी से आगे महाराष्ट्र की सरहद पर आए हुए ये गांव में टीम द्वारा माता तथा उसकी बच्ची को परिवार के साथ मिलन करवाते हुए उसके पिता यानी कि अपने ससुराल में पहुंचाया गया, जिसमें तीसरी लड़की के जन्म के बाद पति उसे अस्पताल में ही छोड़कर भाग निकला था। तो वहीं 1100 ग्राम वजन के साथ जन्मी वैसी लड़की की बाल सारवर विभाग की अध्यक्ष वैसी डॉक्टर शीला अय्यर के मार्गदर्शन के तहत 62 दिनों तक लगातार उसकी बारीकी से इलाजी प्रक्रिया करते हुए नवजात बच्ची को एक नया जीवन दान दिया गया, जो वजन बढ़ाकर 1 किलो 660 ग्राम वजन करने के साथ संतुष्टि रूप पर पहुंचा था। तो वहीं खरी कसौटी मानो उस लड़की को अस्पताल से छुट्टी देने के वक्त आई थी, जहां डॉक्टर मोनिका तथा डॉक्टर वैशाली द्वारा माता की पूछताछ करने पर उसका कोई गांव नर्मदा जिला के तालुका में माथासर गांव का होने की जानकारी प्राप्त होते हुए आखिरकार खिलखिला टीम द्वारा उसकी जांच पड़ताल करने के साथ केयरटेकर महिला स्टाफ के साथ भानु सिस्टर के साथ उसे आखिरकार अपने गांव में पहुंचाया गया, जहां रात्रि के वक्त यहां पर कोई भी लाइट सुविधा नहीं है। ऐसे में ये काफी अंधेरे से घेरे वैसे गांव में लड़की और नवजात बच्ची को अपने पति तथा परिवार के हवाले करवाते हुए बाद टीम वापस लौटी थी।